स्वागत है आपका। वर्ल्ड कप 2019 के छठे मैच में आज आमने सामने होगी इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम। इस वीडियो में दोस्तों इस मैच का हम प्रीव्यू करेंगे, दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे और बीच में आपसे आज के मैच के गिव अवे का क्वेश्चन भी पूछने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये मैच जो है वो होने वाला है ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में, जहां पर एक तरफ होगी इंग्लैंड की टीम जो कि अपना पहला मैच बहुत ही बड़े अंतर से जीतकर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ होगी पाकिस्तान की टीम जिन्हें अपने पहले मैच में करारी हार का सामना करना पड़ा था। प्लेइंग 11 की बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंग्लैंड की। तो यहां पर एक चेंज होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, जहां पर लियम प्लंकेट की जगह पर मार्क वुड को जो है वो प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। आपको बता दें, जब इन दोनों टीमों के बीच ओडीआई सीरीज हुई थी तो इस पिच पर मार्क वुड ने काफी अच्छी बॉलिंग कराई थी, ऐसे में इस मैच में मार्क वुड के खेलने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो ओपन करेंगे, जॉय रूट नंबर 3 पर होंगे और कप्तान इयन मॉर्गन होंगे नंबर 4 पर। इनके बाद बेन स्टोक्स, जॉस बटलर और मोइन अली होंगे। बात करें बॉलर्स की तो क्रिस वोक्स होंगे, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड या फिर लियम प्लंकेट और लास्ट में होंगे आदिल रसीद। कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 यहां पर हो सकती है इंग्लैंड की। और इसी से रिलेटेड जो है वो है आज का हमारा क्वेश्चन, जहां पर क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है और ये कि जोफ्रा आर्चर जो है वो आज के मैच में कितने विकेट लेने वाले हैं। आप अपना जवाब जो है जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्योंकि काफी सारे सही जवाब आज हमें मिलने वाले हैं। तो आप अपना जवाब कमेंट कर दीजिए, साथ ही साथ आप अपना पेटीएम नंबर भी साथ में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की। तो पाकिस्तान की टीम में यहाँ पर चेंजेस हमें होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि पहला मैच बहुत ही बुरी तरीके से हारी है। यहाँ पर इमामुल हक और फखर जमान जो है वो हमें ओपन करते हुए नजर आएंगे, बाबर आजम होंगे नंबर 3 पर, तो मोहम्मद हफीज जो है वो दिख सकते हैं नंबर 4 पर। नंबर 5 पर इनके कप्तान सरफराज अहमद होंगे और छठे नंबर पर यहाँ पर हरीश सोहेल की जगह पर आसिफ अली को मौका मिल सकता है। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर खेलता हुआ नजर आ सकता है। इनके बाद दोस्तों इमाद वसीम होंगे, सदाब खान होंगे। बॉलर्स की अगर बात करें तो मोहम्मद आमिर होंगे, हसन अली होंगे और एंड में वहाब रियाज की जगह पर शाहीन अफरीदी को मौका मिल सकता है, या फिर वहाब रियाज ही हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह की प्लेइंग 11 यहां पर पाकिस्तान की हो सकती है। दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की हमने बात करी। अब दोस्तों इस मैच के लिए हम अपनी फेवरेट टीम जो है वो बना लेते हैं जल्दी से क्रिक डुएल्स पर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पेटीएम कैश अर्न कर सकते हैं। यहां पर दोस्तों हम अपनी टीम बनाते हैं। सबसे पहले बात करें विकेट कीपर की तो जॉस बटलर को रखेंगे। नेक्स्ट बैट्समैन की अगर बात करें तो यहां पर जेसन रॉय अच्छी चॉइस है। अगले बैट्समैन में यहां पर दोस्तों जॉनी बेस्टो एक बढ़िया चॉइस है। नेक्स्ट बैट्समैन की बात करें तो इमामुल हक यहां पर एक बढ़िया चॉइस है। बात करें ऑलराउंडर्स की तो ऑलराउंडर पहला लेंगे हम यहां पर बेन स्टोक्स और दूसरे ऑलराउंडर में से हम यहां पर लेने वाले हैं इमाद वसीम। बॉलर्स में दोस्तों पहले लेंगे हम जोफ्रा आर्चर और सेकंड बॉलर जो है वो होंगे हमारे क्रिस वोक्स। तो कुछ इस तरह की टीम हमारी बनी है क्रिक डुएल्स पे। आप भी अपनी फेवरेट टीम बना सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बात हुई वर्ल्ड कप 2019 के छठे मैच की, जहां पर इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होने वाली है। डू और डाई का मैच लगभग होगा पाकिस्तान के लिए। अगर ये मैच हार जाते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किल इन्हें होने वाली है। आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम ये मैच जीतेगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।